हेलो ब्रदर्स, व्हाट्स अप। दिस इज शोकन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, मेरे यहाँ पे एक चर्चा चालू था, डिस्कशन चालू था। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पोर्ट्स के बारे में। तो डिस्कस करते करते एक सवाल आया कि इंडिया में सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है, सबसे एंटरटेनिंग स्पोर्ट कौन सा है। तो जैसे बाहर के लोग हैं, वैसे भी यहाँ पे भी लोग हैं, यार अपने नज़दीक में भी लोग हैं जो कहते हैं हमेशा क्रिकेट 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 करते रहते हैं, पता नहीं क्या है उसमें। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने अपना खुद का राय सुनाया। बहुत सारे लोग इससे मानेंगे नहीं। मैंने कहा कि यार इंडिया का सबसे पॉपुलर, इंडिया का क्या ग्लोब में, इस दुनिया में सबसे पॉपुलर एंटरटेनिंग स्पोर्ट मिक्स मार्शल आर्ट्स है। ये प्योरली मेरा ओपिनियन था। तो एक और बात है कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, आप डेली मेरे वीडियोस देखते हो, तो आप ठीक है, आपको पता होगा कि मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को या चैनल को पहली बार देख रहे हो और आप सोच रहे हो कि मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या होता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपसे विनती करूंगा कि आप एक बार जाके गूगल में या फेसबुक में या यूट्यूब में या सोशल मीडिया में कहीं पे भी जाके टाइप करके देख लीजिए कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स क्या होता है, या फिर UFC जो दुनिया का सबसे बड़ा मिक्स मार्शल आर्ट्स ब्रांड है, या अपने देश का भी मिक्स मार्शल आर्ट्स ब्रांड है मैट्रिक्स फाइट नाइट। तो आपको पता चल जाएगा कि मिक्स मार्शल आर्ट्स क्या होता है। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बार देख लोगे तो आप उस स्पोर्ट के दीवाना हो जाओगे, आप को फिर और कोई स्पोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक चीज़ है। एंड देन आई से दैट मेरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैं चाहता हूँ कि मिक्स मार्शल आर्ट्स इंडिया का सबसे पॉपुलर, सबसे एंटरटेनिंग स्पोर्ट बन जाए। क्योंकि जब एक पर्टिकुलर स्पोर्ट एक देश का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट हो जाता है, तो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली उस देश के वासी, जो भी उस देश में रहते हैं, वो भी इस स्पोर्ट को ट्राई करेंगे। चाहे आप एज्ड हो, या आप नौजवान हो, या बच्चे हो, या इरेस्पेक्टिव जेंडर, आदमी, औरत, मैन, वुमेन, सब लोग ट्राई करेंगे। तो इससे क्या होता है कि मिक्स मार्शल आर्ट्स जो कोई भी ट्राई करता है, खाली फाइटिंग करने के लिए नहीं, आप एक ओवरऑल आपका पर्सनालिटी भी डेवलप हो जाता है। क्योंकि आप आप बहुत सारे मार्शल आर्ट्स में एक्सपोज हो जाओगे। आप बॉक्सिंग सीखोगे, आप रेसलिंग सीखोगे, आप स्टैंड अप मुई थाई, किक बॉक्सिंग, BJJ, ग्राउंड गेम, ग्रैपलिंग, ओवरऑल यू विल गेट अ कंप्लीट आइडिया ऑफ फाइटिंग, ऑफ कॉम्बैट स्पोर्ट्स। सो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में भी एक फाइटिंग स्पिरिट जैसी आ जाएगी। यू लाइफ बी मोर डिसिप्लिन्ड इफ़ यू लर्न फ्रॉम द राइट मास्टर्स, इफ़ यू लर्न फ्रॉम द राइट मास्टर्स। तो दैट इज़ द एडवांटेज। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसी जनरेशन आए जो हु आर वेरी गुड एट कॉम्बैट स्पोर्ट्स, अ जनरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन एंड वुमेन। तो दैट इज़ वाई आई नीड दैट मिक्स मार्शल आर्ट्स शुड बिकम द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट वैन कम्पेयर टू दी अदर स्पोर्ट्स। अभी ये तो मैं फाइनली कह देता हूँ कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। बहुत सारे लोग इसको मानेंगे नहीं, बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने हैं, बट मैंने तो खुद का अपना पर्सनल ओपिनियन सुना दीजिए। तो अब आप बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। आप कमेंट ज़रूर कीजिए, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। बाय गाइस।